हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मेडिटेशन कर रही हूँ मैं। तो मेडिटेशन में मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ आज। मेडिटेशन में ऐसे है कि जैसे इस जन्म में हमारा किसी से रिलेशन ख़राब हुआ हो या हमें सता रही हो वो यादें पुरानी, जहाँ मतलब मन नहीं टिक रहा हो या मतलब ऐसी टेंशन आती रहती है दिमाग में, हमें पता भी नहीं चलता ये कौन सी टेंशन, हम लेते भी नहीं हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो ये हमारे पास्ट की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो मतलब हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। तो हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। हमारा मतलब हम तो यहाँ पे मनुष्य बन के आए हैं, जैसे कि मैं ममता या आप, कोई भी आपका नाम है, लेकिन असल में हम लोग आत्माएं ही हैं जो शिव बाबा मतलब ऊपर से आए हैं, परम धाम से आई हैं। तो हमारे रिलेशन, हम ऊपर एकदम बड़े प्यार से सभी लोग इकट्ठे रहते, सभी आत्माएं इकट्ठे रहती बड़े प्यार से, लेकिन जब नीचे आती हैं तो अपना अलग अलग पार्ट बजाती हैं। तो किसी का पार्ट नेगेटिव हो जाता है तो किसी का पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे में मतलब किसी को नेगेटिव वे में वो अपना पार्ट बजा रहा है, इसमें उसकी गलती नहीं है लेकिन उसको रोल मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या हमें करना चाहिए कि अगर हमें इस जन्म में हमारा उनसे झगड़ा हुआ हुआ है तो अपने आप को विजुअलाइज़ करना है कि वो हमारे सामने खड़े हैं और वैसे ही वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं उन्हें, जो भी वो बोल रहे हैं हम सब सुन रहे हैं लेकिन शांति से सुन रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और अपनी शांति भंग नहीं कर रहे हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो अपना करेंगे ही। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बड़े प्यार से सुन रहे हैं, उनको माफ़ कर रहे हैं। दिल से माफ़ करोगे तो माफ़ी उस तक ज़रूर पहुंचेगी। पहले हमने ये फील करना है कि वो हमारे सामने है और बाद में हमने उसको फील कराना है, ये जो हमारी फीलिंग है वो अपने आप वहाँ तक हमारी पहुँचती जाएगी। और उसके बाद आप चाहे उसको कॉल करें, वो आपका रिप्लाई बहुत ही प्यार से देगा। मतलब जो कभी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, अगर आप ऐसी भावनाएं अपनी जो है क्षमा मांगने की, दिल में दिल से क्षमा मांगने की, दिल से माफ़ भी कर दो और उनसे माफ़ी भी मांग लो, तो आपकी ये दुआ जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, आपकी भावना जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। तो आपको वो दिल से माफ़ कर देगा। अगर बाद में आप कॉल भी करोगे तो वो आपका बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे यही सब कुछ कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, जिससे भी मेरी इस जन्म में दुश्मनी है या दुश्मनी थी, मैं उनसे क्षमा मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मैंने भी आपको दिल से क्षमा कर दिया। तो हमारी भावना ज़रूर उन तक पहुंचती है। मेरा इस जन्म में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं किसी से कोई नफ़रत भेदभाव नहीं रखती हूँ, मेरा सबसे बहुत प्यार है। तो शिव बाबा भी हमें जो है बहुत ही प्यार देंगे, हम दोनों तक शिव बाबा की जो तरंगे हैं, वाइब्रेशन है शक्तियों की, वो हम तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो ये मैं कर रही हूँ मेडिटेशन में, आप भी देखिएगा, करिएगा, महसूस करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इस पर एक वीडियो भी बना के दूँगी। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और मैं आज आपको पहले डे बता देती हूँ, आज डे कौन सा है और डेट क्या है। हाँ, आज ट्यूसडे है और मॉर्निंग में आ गई थी मैं ऊपर मेडिटेशन करने, थोड़ा मेडिटेशन किया और थोड़ा वॉक वगैरह किया। अभी टाइम बता देती हूँ, पहले आपको टाइम हुए थे 8 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी बात बात कर लेते हैं। रात को इतनी थक गई थी कि मैंने मेकअप भी नहीं रिमूव किया। एक्चुअली मेरी मेडिसिन चल रही है तो उससे इतनी नींद आती है ना, बता नहीं सकती आपको, बहुत नींद आती है, तो रिमूव करने का टाइम ही नहीं मिला। कल मैंने ब्लू कलर का काजल लगाया था, मतलब लाइनर भी लगता है काजल भी लगता है, तो वो लगाया था, आँखें एकदम नीली नीली हो गई आँखें एकदम नीली नीली हो गई। और बताओ आप सब कैसे हो?
आप सबके यहाँ पे लॉकडाउन क्या दोबारा लग रहा है? हमारे यहाँ पे सुना है कि लॉकडाउन फिर से लग रहा है, तकरीबन मुझे लग रहा है कि रात का ही लगेगा, अगर लगेगा भी लॉकडाउन। अपनी मास्क जो है वो पहन के रखिएगा, उतारना नहीं उसको, वो बहुत ही कंपल्सरी हो गए हैं, तो मास्क ज़रूर पहनिएगा। हम तो जहाँ भी जाते मास्क पहन के जाते, बीच में उतारना शुरू कर दिया था, लेकिन अब फिर से मास्क पहनने शुरू कर दिए क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का प्लीज़ ध्यान रखिए। तो चलो फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या करते हैं। अभी हमने सिर्फ चाय पी है, मैंने और इन्होंने और पापा ने सिर्फ चाय पी है। अभी नाश्ता करना बाकी है, अभी 8 o'clock हुए हैं, ये तो थोड़ा गए हुए हैं सिलेंडर। 4 दिन पहले हमारा जो है वो मतलब डिलीवरी का ऑप्शन दिखा रहा था, लेने नहीं गए थे, तो ये बोले कैंसिल ना हो जाए फिर 10 दिन का गैप पड़ जाएगा, तो इसलिए हमें चाहिए था एक ही सिलेंडर। वैसे तो हमारे पास 4 सिलेंडर है, तो 4 सिलेंडर है लेकिन भरा एक ही पड़ा था, जो लगा हुआ है अभी लगाया हुआ है, तो उसको भी लगाए हुए को 3 4 दिन हो गए हैं, तो ख़त्म ना हो जाए इसलिए और कैंसिल ना हो जाए इसलिए ये लेने चले गए हैं। और मैं फिर अकेली रह गई थी, पापा भी सैर करने को चले गए हैं और मैं अकेली रह गई थी, बच्चे भी सो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो यार वॉक की जाए, वॉक करते करते चलो आपसे बात भी की जाए, चलो चलते हैं नीचे। और नीचे बहुत सारे काम करने बाकी हैं, नाश्ता करना है, नाश्ता बनाना है, करने को तो बहुत पीछे रह गया, अभी नाश्ता बनाना है, डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, मतलब बहुत सारे काम है। आज तो कपड़े भी वॉश करने हैं क्योंकि नहीं, आज मंगलवार है, कपड़े नहीं वॉश करने हैं, तो चलो फिर चलेंगे नीचे। कूड़े वाला आ ही नहीं रहा यार, इतने दिन हो गए हैं, बताओ। पैसे लेने मिनटों में आ जाते हैं, आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है कूड़े वाला, अभी तक नहीं आया है, तो कूड़ा इतना हुआ पड़ा है ना, हमारा कूड़ा बहुत होता है यार। तो ये देखो पापा के रूम का हाल, मतलब पापा तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, पापा थोड़ी ना करेंगे, करूँगी तो मैं करूँगी, लेकिन ये देखो मेरे जूते चप्पल कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये है कनक, ये कनक है, वॉश करके रखी हुई है, सुखा के रखी हुई है, इसको देने जाना है। और वो पड़ी मेरी चप्पल, कल मैंने वो वाली पहनी थी येलो टॉप के साथ, येलो कलर की हील पहनी थी मैंने, वो वाली इसको रखना ही भूल गई। अब मैं इसको संभालती हूँ, थोड़ा मिट्टी विट्टी झाड़ के और थोड़ी करती हूँ डस्टिंग पहले, जब ये आ जाएंगे तब हम नाश्ता करेंगे। आज मेरा गला खराब खराब सा लग रहा है, तो करते हैं फिर काम मॉर्निंग के। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई हूँ पापा के रूम में, तो दोनों रूम में मतलब बच्चे सो रहे थे, तो मैंने दूसरे रूम में बाद में डस्टिंग की थी, तो पहले मैंने ये वाला रूम क्लीन कर दिया, तो यहाँ पे छत बेडशीट जो है वो मैंने झाड़ दी थी, और जो जूते चप्पल है वो बिखरे पड़े थे इधर उधर, तो मैंने उनको समेटा, और उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया पूरे घर में झाड़ू झाड़ू पोछा। और झाड़ू करने के बाद ही मैंने जो दोनों बेड हैं वो मैंने झाड़े दूसरे रूम के, क्योंकि बच्चे तब तक उठ चुके थे, बच्चे रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो बच्चों का सिस्टम ही है जो वो ख़राब हुआ जा रहा है जब से स्कूल नहीं खुले हैं, स्कूल बंद हैं। तो जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो बच्चों की भी अच्छी टाइमिंग होगी उठने की भी और सोने की भी, अभी तो कोई टाइमिंग नहीं है, अपने मन से सोते हैं, जब नींद आती है तो मन से उठते हैं, लेकिन जो हमारी टाइमिंग है वो हमारी सुधर चुकी है काफ़ी हद तक। मैं कहाँ मॉर्निंग में लेट उठती थी तकरीबन 10 10:30 बजे तक, अब मैं जल्दी उठने लग चुकी हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना और सुबह छत पे जाना टहलना मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करा करो। एक्चुअली मैं 3 4 साल पहले बहुत ही मेडिटेशन करती थी, सुबह 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करती थी, तो सुबह 3:30 बजे उठ के मैं तकरीबन 7 बजे तक सिर्फ यही करती थी, 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक या 4 बजे तक मेडिटेशन करती थी। उसके बाद नहा धोकर मैं करती थी मुरली पढ़ती थी, जो शिव बाबा की मुरली पढ़ती थी मैं, तो ऐसा था मेरा पूरा शेड्यूल। तो उसके बाद बेबी हो गया, फिर बस काम बढ़ गए, बस एक तरह मतलब बन जाता है बंदा घर में, तो वो काम हो गया था, तो मैंने दोबारा से ये नहीं कि मैं शिव बाबा को नहीं भूली हूँ, शिव बाबा आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या बार बार शिव बाबा बोल रही है, शिव जिनको सभी जानते हैं, शिव जी जी शिव शंकर जी सब सब जानते हैं, लेकिन शिव और शंकर में बहुत अंतर है, शिव शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो शिव
हमारे परम पिता परमेश्वर ही हैं, तो वो हम आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है, इस हिसाब से वो हमारे बाबा ही हुए ना, हमारे पापा हुए। तो ये हमारे जो पापा, ये हद के पापा हैं, मतलब हद इस संसार में, मतलब हमने जन्म लिया है, वो हमारे पापा हैं, और जो शिव बाबा हैं वो बेहद के बाप हैं। तो इस हिसाब से हम लोग उन्हें बाबा बोलते हैं, शिव बाबा, तो इसलिए मैं शिव बाबा बोलती हूँ। बाकी वो आप सोच रहे होंगे कौन से बाबा आ गए, तो यही है शिव बाबा, जिनको हम ज्योतिर्लिंग, ज्योति बिंदु इस नाम से जानते हैं, तो वही शिव बाबा हैं। तो उनको मैं बहुत याद करती हूँ, हम सभी घर में बहुत मानते हैं उन्हें। घर में अगर कोई भी काम हो, सबसे पहले उनको लेकर चलते हैं, अगर कहीं जाना हो, कोई बात ना बनती हो, तो उन्हें हम लेके चलते हैं कि आओ शिव बाबा हमारे साथ चलो, हमारे काम बनाओ। तो ऐसे हम करते हैं, मतलब हर चीज़ में, हर काम में उनका नाम पहले आता है। तो आप बोलोगे ये क्या भक्ति वाला चैनल चल पड़ा है। तो मैंने अपनी कुछ यादें आपके साथ शेयर की हैं, जो मेरी 4 साल पहले यादें थी। ये नहीं कि याद मैं अब भी नहीं करती, मैं बहुत याद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ शिव बाबा से, जैसे हम अपने पापा से प्यार करते हैं बहुत, वैसे ही हम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे चल रही है डस्टिंग का काम, झाड़ू मेरा सारे घर में लग चुका था। इसके बाद मैंने पोछे स्टार्ट कर दिया लगाना। मैं पहले, मतलब दूसरे पोछे से पोछा लगाती थी ना, स्टैंडिंग पोछा, तो उससे ना जोर बड़ा लगता था। ये मैंने ना एक कैप ली है, कैप से क्या है कि फटाफट पोछा लग रहा है, बहुत साफ से, सफाई से लग गया पोछा, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उससे। तो ये मेरे लग रहे हैं पोछे, मुझे बहुत अच्छा लगा हाथ से लगा के। लेग्स तो ज़रूर पेन होने लग गई थी, लेकिन सफाई हो गई अच्छे से, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे ही कर रही थी मैं सफाई, हाथ से पोछे लगा के ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि हाथ से हमारे पोछा लगा तो सफाई अच्छी हो गई। कल करा लो, आ वीडियो देख चुके हैं। मैं देखा भाई, मैं देखा है। हाँ भाई, उन्हें कहना आया नहीं, लाइट बंद कर दे। पापा की क्या की चला रहे हो? पापा की क्या की? दो चूती कर रही हूँ। दिखाना एक। कितनी सोने की थी? पापा। इन्हों की उन्दा? ये बिजली तो लिश कदा। बिजली तो लिश कदा। पापे, ये की करता फिर दाए? ओए। तू तो कहीं बोलता नहीं। मेरी पोली जी दिखाई दिखाई ये है आलू के परांठे। गाइस आ जाओ, आप भी खा लो सब। हम यहाँ पे दीदी के घर पे हैं और खा रहे हैं आलू वाले परांठे, साथ में दही है और साथ में चाय है। हम जैसा पागल कौन होगा, चाय भी दही भी साथ साथ। और यहाँ पे बैठी मुस्कान, मुस्कान तूजी, तूजी मुस्कान, मुस्कान तूजी, तूजी मुस्कान, मैं यहाँ। उस आलू हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। हे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। मैं बैठी हुई हूँ अपनी दीदी के घर, यहाँ पे हम आए हुए हैं सुबह के, तो भी टाइम मेरे ख्याल से 5, हाँ 5:10 है। टाइम आपको दिखा देती हूँ, अभी मैंने वॉच उतारी है, सर को वॉश किया था अभी, ये देखो कितना टाइम हो गया, 4:45। यस, 4:45 हो गए हैं, सुबह के आए हुए थे। पता नहीं क्यों अचानक में पेट में बहुत दर्द हो रही थी, तो यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनकी दवाई अच्छी होती है, लग जाती है मुझे। कल ऐसे हुआ कि हम चौड़े बाज़ार गए थे, वहाँ पे बिजली बाज़ार के पास है ना, तो वहाँ पे हमने खाए गोलगप्पे, गोलगप्पे का पानी बहुत टेस्टी था, तो पानी पी लिया थोड़ा ज़्यादा और पेट हो गया ख़राब, बहुत पेन हो रही है पेट में। तो मेडिसिन तो ये मेरे को छोड़ के थोड़ी देर के लिए चले गए हैं, दवाई इनके पास ही रह गई, अभी मेडिसिन मैंने नहीं खाई है क्योंकि इनके पास है, जब आएँगे तब खाऊँगी। और बताओ कैसे हो आप सब, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि गोलगप्पे खाने के बाद किसका किसका पेट ख़राब होता है। यार इतने मेरे फेवरेट गोलगप्पे मैं नहीं छोड़ सकती, मेरा दिल करता है मैं रोज़ गोलगप्पे खाऊँ, रोज़ गोलगप्पे खाऊँ, इतना ख़राब भी करते हैं पर फिर भी मन करता है खाती जाऊँ, खाती जाऊँ, बस खाती जाऊँ।
खाती लिमिट के हूँ, दो या तीन बस, इससे ऊपर नहीं। अच्छे लगते हैं मुझे। किस किस के फेवरेट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था गाइज मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरी वीडियो को, और कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना वीडियो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। सो गाइज चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।